हेलो सभी लोगों को नमस्कार। सी एस पर्सिलिया ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम जो हमारे राज्य में G20 सम्मेलन होने जा रहा है कल को, उसकी तैयारियां देखेंगे। कैसी तैयारियां हैं हमारे पन्नगर एयरपोर्ट से रामनगर तक, देखिए जुड़े रहिए। आगे आपको सब दिखाऊंगा रामनगर तक का। यहीं पर आएंगे हमारे 20 देशों के प्रतिनिधि जो कि G20 सम्मेलन के लिए आ रहे हैं अपने रामनगर में, माननीय मोदी जी के द्वारा आमंत्रित और मोदी जी की अध्यक्षता में होनी है बैठक हमारे रामनगर में। देखिए कैसे अरेंजमेंट किए हैं पन्नगर एयरपोर्ट में, देखिए आपको आगे दिखाऊंगा। और ये है हमारा पन्नगर का एयरपोर्ट, कितना सुंदर नज़ारा है। वेलकमिंग पॉइंट है ये। वसुधैव कुटुंबकम, देखिए दीवारों पर कितनी अच्छी आकृतियाँ बनाई गई है, सुंदर सुंदर पौधे फूल से सजाया गया है। देखिए एयरपोर्ट के बाहर वाला एरिया जो पूरे रामनगर तक ऐसा ही बनाया गया है, देखिए कितने सुंदर लग रहा है। G20 सम्मेलन का आगाज, देखिए सम्मेलन की तैयारियाँ इस तरीके से की गई है। देखिए दीवारों पर पोस्टर, फूल, पेड़ पौधे काफ़ी अच्छे तरीके से, देखिए कितना मेंटेन करके रखे हुए हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। देखिए देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। देखिए हमारे उत्तराखंड की टोटल धरोहरें इसमें जो जो हैं सब दिखाई गई हैं, सब कुछ देखने को मिलेगा आपको। देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारा, दीवारों पर आकृतियाँ बनाई गई हैं शानदार, बहुत ही गजब की पेशकश। G20 सम्मेलन स्वागत समारोह होगा, देखिए यहीं से अतिथियों को रामनगर ले जाया जाएगा। देखिए देखिए कितने सुंदर आकृतियाँ बनाई हुई हैं। G20 सम्मेलन भारत 2023 इंडिया नमस्ते लिखा गया है, कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर दृश्य। देखिए शानदार पेड़ लगाए हुए हैं यहाँ रोड के बीचों बीच, देखो शानदार फूलों का कलेक्शन है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल रोड के सेंटर में है 4 लेन की। देखिए क्या सुंदर नज़ारा है, शानदार पौधे लगे हुए हैं, इसमें धूप आ रही है, देखिए घास लगाई हुई है। आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए आते जाते ड्यूटी से आते जाते ही दिखा सकते हैं आपको हम अन्य टाइम। देखिए काम चल रहा है, जोरों से लगे पड़े हैं ट्रक वाले और पेंटिंग डिपार्टमेंट, ये हमारे टाटा मोटर्स के एरिया है। सुंदर सुंदर फूल
का गेट है। देखो फूल कितने सुंदर सजाए हुए हैं, देखिए शानदार लोकेशन हो जाता है। अपना देश कर रहा है, अपने नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। आप देखिए ये कितना सुंदर बनाया गया है, ये हमारा टाटा मोटर्स का गेट। दूसरा वाला देखिए इधर, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। ये देखिए दीवारों पर कितना सुंदर आकृतियाँ बनाई गई है। थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, देखिए चलते चलते देखिए शानदार हो गई है। ये हमारा टाटा मोटर अंदर, अपनी टाटा मोटर्स ने भी काफ़ी सजावट कर रखी है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, देखिए रोड पर पूरा काम हो रहा है, देखिए बहुत ही शानदार। ये पूरा रामनगर तक है मित्रों, क्योंकि रामनगर में ही G20 सम्मेलन की बैठक होनी है। रामनगर से होते हुए इसी रास्ते जाएंगे जो हमारे देशों के प्रमुख होंगे, वो इसी रोड से शिरकत करेंगे जाने। ये है अशोका का पार्किंग, देखिए यहाँ गाड़ियाँ असेंबल होकर पार्क होती हैं। ये साफ़ सफाई कितनी अच्छी हो रखी है आज, बहुत शानदार। G20 सम्मेलन के उपलक्ष में देखिए किस तरीके से सजाया गया है पूरा। इस स्कूल के बाहर का एरिया है, देखो ये बढ़िया हो गया ना मस्त है। बिल्कुल कार्य प्रगति पर है, देखिए लगातार सब लोग अपने अपने काम में लगे पड़े हैं। बहुत सुंदर सजा दिया है, देखिए इसी बहाने बहुत काम हुआ है G20 के सम्मेलन के कारण। सुंदर सुंदर फूलों के बीच रोड, देखिए कितना साफ सुथरा वातावरण है। ऐसा रुद्रपुर में पहली बार देखा मैंने, पंतनगर से रुद्रपुर के बीच। इस बोर्ड में जैसा कि दर्शाया गया है, वेलकम डेलीगेट्स टू फर्स्ट मीटिंग जो है G20 CSRP 28-30 मार्च है रामनगर उत्तराखंड में, यानी कि कल से लेके 30 तारीख तक है ये समिट। रामनगर कोसी बैराज, ये देखिए Thank you।
ये जो चित्र आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह बनाया है हमारी गांव की ही भतीजी आर्टिस्ट खुशी पालड़ी के द्वारा। देखिए कितना सुंदर चित्रण किया गया है, पूरी प्रतिभा को दिखाते हुए देखिए अपनी कला का प्रदर्शन, उत्तराखंड की संस्कृति को दर्शाया है। देखिए दीवार पर महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है अपने पूरे देश में। सजा हुआ है पूरा मार्केट, देखिए बहुत सुंदर। यह सब आपको देखने को मिलेगा रामनगर की दीवारों पर, हर जगह हर दीवार पर पेंटिंग की गई है। देखिए यह सब महिलाओं द्वारा ही किया गया है, जो जो मैंने इस वीडियो में मेंशन किया है। देखिए बहुत ही शानदार देखने लायक उत्तराखंड की पूरी झलक, उत्तराखंड की संस्कृति। देखते रहिए मित्रों, सपोर्ट करिए। जय हिंद, जय उत्तराखंड।